एक बार सोचो, बार बार धोखा मत दो। आप मेरे बारे में बोल रहे, अगर चर्चा करना है तो असद भाई के भाई मेरा अच्छा दोस्त है अकबरुद्दीन ओवैसी, कॉलेज के दिनों में भी हमारा जान पहचान है। मेरे को ये बात पूछ रहे, आप भाग्यलक्ष्मी मंदिर में आ जाओ। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कब से भाग्यलक्ष्मी मंदिर में जाने में लग गए भाई? नरेंद्र मोदी जा रहा बोले तो एक बात है, अमित शाह गया बोले तो एक बात है, योगी आदित्यनाथ गए तो एक बात है, राजा सिंह गए तो दूसरी बात है। आप कब से जाने लग गए भाग्यलक्ष्मी मंदिर में? मुझे बुला रहे, मैं तैयार हूं भाग्यलक्ष्मी मंदिर आने के लिए। आप तैयार है क्या? मैं गीता उठाऊंगा, आप जो बात बोल रहे उसका गवाह दूंगा, और मैं वही कुछ सवाल पूछूंगा, वही आप सवाल का जवाब देना। एक उंगली मेरे ऊपर उठाए तो अकबर भाई आपके तरफ चार उंगलियां दिखा रहे, ये याद रखो। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, मैं अकबर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नहीं है। आपका दोस्त जो है ना वो चोर है, वो चार्ल्स सोबर आ जाए, आप उसके साथ क्यों जा रहे भाई? क्यों जा रहे आप जवाब दो। तेलंगाना के माइनॉरिटी लोग आपको पूछ रहे, आप गए राजस्थान, आप गए बिहार, आप गए बंगाल कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए। कांग्रेस पार्टी हार गए तो किसने जीत रहा है? मोदी जी ने जीत रहा है, इतना तो आपको समझ में तो आ रहे हैं ना। बीजेपी को जिताने के लिए आप कोशिश कर रहे, कांग्रेस के वोट काटने के लिए आप कोशिश कर रहे, ये क्या तरीका है, क्या जिम्मेदारी है? 4% का 12% वादा किया केसीआर ने, दिलाओ फिर हिम्मत है तो, पकड़ो उनका गला, गला पकड़ के 12% दिला दो हमारे माइनॉरिटियों को, तब आपको तारीफ करते। मगर ऐसे गलत कामों में मत पड़ो, गलत दोस्ती छोड़ दो। कभी कभी अचानक अपने किस्मत ठीक नहीं है तो चोर भी अपने दोस्त बनते, वैसे ही वो चार्ल्स सोबर्स आपके दोस्त बने, वो दोस्त को छोड़ दो, आगे तरक्की करो। माइनॉरिटी के मुद्दों पे आप लड़ने के लिए कोशिश करो, हो सके तो हम भी माइनॉरिटी के मुद्दों में हम मदद देंगे, इधर प्रदेश में वहां केंद्र में कांग्रेस के सरकार बनाएंगे, माइनॉरिटी लोगों के लिए हम भी, वो तरक्की के लिए हम ही भी जिम्मेदारी उठाएंगे। मित्रलारा इंतसेपु అక్కడి నుంచి వచ్చి మీరు చాలాసేపటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు, వివిధ కార్యక్రమాలు ఉండి నాకు కొంత ఆలస్యమైంది, మిమ్మల్ని అందరినీ మళ్ళొక్కసారి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ వదిలేసి కాంగ్రెస్లో చేరినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను।